हेलो गाइज, नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना अविनाश, और ये देखिए अभी हम लोग बीच जो है सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज के ये धनरोल बांध के जंगल में हम लोग आ चुके हैं, और दोनों भाई हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर खाना खा रहे थे, थोड़ा कैमरा उधर घुमाइए, और ये देखिए चारों तरफ बजरंग बली उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं कि ऊपर है, और मैं उधर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि भाई उधर जाने पर हो सकता है कि मुझ पर ही हमला हो जाए, इसीलिए मैं इस साइड में हूँ। और वहाँ पर जो बजरंग बली विराजमान है वो लग रहा है कि हमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो अभी हम लोग बिस्किट खिलाएंगे, कब से बैठे हुए थे यहाँ पर तो हम लोग बिस्कुट खिला रहे थे, और मैं चाहूँगा कि आप इन्हें दीजिए दीजिए खा खा खा। और ये देखिए यहाँ पर कितने सारे बैठे हुए हैं, और वहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, ऊपर भी है, मतलब कि जहाँ जहाँ नज़र जा रहा है ना चारों तरफ टुकटुकी लगाए हम लोगों को देख रहा है। और ये ब्लॉग काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, तो आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिए और अपना ढेर सारा आशीर्वाद, अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए। और ये देख सकते हैं कि पीछे जो ऊंचा ऊंचा है ये धनरोल बांध है, और ये अंग्रेजों के ज़माने में ये बना हुआ था, और इतना ये ज़बरदस्त है कि इसके बारे में क्या व्याख्या करूँ। आपका जूता मत लेके चला जाए, कुछ खींचेगा यार, चला जाए इधर से, कुछ नहीं लेके जाएगा। पानी पी रहा है, देखिए गाइस यहाँ पे दिखाइए, पानी पानी, और ये देखिए कैसे पानी पी रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी है, तो इस गर्मी में बचने के लिए पानी की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। और इन लोगों को तो यहाँ पर पानी मिल जा रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। अब पानी भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, तो मैं तो पूरा जूता लगा करके अंदर हूँ, और थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है मुझे। वो तो एकदम मेरे ही तरफ देख रहा है पूरा गुस्सा होके। हाँ जाइए, और इधर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग घूमने के लिए, घूमने के लिए और पिकनिक मनाने के लिए भी इधर आते रहते हैं। इन लोगों की बहुत सारी प्रजातियां यहाँ पर मौजूद है। एक बार वहाँ पे चला जाए, वहाँ से खिलाया जाए, अरे काटेगा नहीं यार, वहाँ पे चला जाए, वहाँ पे जा करके हम लोग खिलाते हैं, कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो गाइज ये देखिए, मैं अपना हेलमेट ले लेता हूँ कि भाई कोई हमला ना हो, इसीलिए मैं अपना हेलमेट लेकर के अब मुझे जाना है वहाँ पर। वहाँ पर भी बहुत सारे हनुमान जी लोग उपस्थित हैं, तो वहाँ पर मैं जाकर के बिस्कुट खिलाऊंगा। और बिस्कुट कब से रखा हुआ था तो हम लोगों ने खाया नहीं, मतलब कि खाया है, थोड़ा सा खाया है, और सोचे कि और जितना बचा उसे खिला दिया जाए। तो चलिए चलते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर हम लोग खिलाते हैं। और ये देख सकते हैं कि पैर नीचे रखने के बाद इतना ठंडा पानी है कि इसका कोई जवाब नहीं है। ये देखिए पूरा पानी ठंडा है, और वो मुंह बना रहा है कब से वहाँ से, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा शिव कुमार, हम ही पे ध्यान है उसका। हाँ देखिए आप, ये हो यार बना ये अपना सुरक्षा के लिए ऐसे, क्या बोलते हैं, ऐसे मुंह दिखा रहा है अपनी सुरक्षा के लिए कि हम लोगों से जो है डरे। तो आइए यहाँ पर हम लोग खिलाएं, और इस हेलमेट को मैं यहाँ पर लटका देता हूँ, यहाँ पर लटका दिया जाए, और लटकाने के बाद यहाँ से अब मैं खिलाने का काम करूँगा, मुंह लटका के वहाँ पे वो लोग लग रहा है कि पेट सबका भर गया है, और क्या बोलते हैं, पेट भरने के कारण सभी लोग वहाँ पर, हम लोग थे तो कुछ कुछ खिला रहे थे, तो सभी लोग खा करके ऑलरेडी पहले से ही मस्त हैं, क्योंकि यहाँ पर और भी काफ़ी सारे लोग। अरे यार इसका तो स्पीड एकदम 1 टेरा हाईली स्पीड बुलेट की तरह आया। दीजिए फेंकिए उधर, हाँ कुछ नहीं करेगा। और देख सकते हैं कि भाई सब बोल रहे हैं कि कुछ नहीं करेगा, बस डरवा रहे, दीजिए ना भाई। अच्छा भाई हमला भी हो सकता है, और उसे दीजिए आप, 2-4 फेंकिए ना उधर, वो खा ही नहीं रहा है। और गाइस देखिए मैं भी डर गया, ये भी डर गए, ऐसे ना आराम से रखिए आप वहाँ पे, हम नहीं जाएंगे वहाँ। अरे यहाँ पे रखिए आराम से, अरे 2-4 फेंकिए, देखिए देखिए हम 2-4 दे रहे हैं, लो लो देखिए देखिए, अब इनको मिला, और वहाँ पर बैठ करके अच्छी तरीके से खा रहे हैं, उन्हें मिल नहीं रहा था ना, इसीलिए इतना भाई गुस्सा था। और ये देखिए वहाँ पर बंदर हैं, और ये लंगूड़ हो गया, वहाँ पे बंदर है, वो लोग नीचे नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये लोग उन लोगों पर हमला कर सकते हैं, तो इसीलिए ये देखिए
अभी इन लोगों को भी थोड़ा थोड़ा बिस्कुट खिला दिया जाए और दीजिए। और एरिया बांधा गया, वो लोग उधर है, ये लोग इधर है, लो। हा हा, और देखिए ये लोग अपने क्या बोलते बच्चे को अपने पेट में लगाए रखे हैं, क्योंकि माँ की ममता अपरंपार। और सभी लोग अपने अपने शरीरों में ऐसे जकड़ के बैठे हैं, और वो वहाँ पे अभी तक हम लोगों को देख रहे हैं भाई। काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। ये देखिए, ये देखिए कितनी मस्ती से ये खा रहे हैं।